नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात कुमार, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है प्रभात ट्रेडिंग सर्विस। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा प्राइस एक्शन का सीक्रेट बताने वाला हूं कि इस प्राइस एक्शन सीक्रेट को आप अगर डेली बेसिस पे फॉलो अप करना लग जाएंगे तो आपकी ट्रेडिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। दोस्तों इस प्राइस एक्शन को बहुत लोग यूज करते हैं, अगर आपने किसी के लेवल्स देखे होंगे, ठीक है, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, तो लेवल जो होते हैं तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं आपको बताने वाला हूं आज की वीडियो में। दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखिएगा और एक एक पॉइंट आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा रहस्यमयी है। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों इस तरीके को समझने के लिए आइए पहले मैं आपको समझाता हूं कि हम इसमें करेंगे क्या, हम इसमें क्या कर रहे हैं और स्टॉक कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे किसी स्टॉक को बाय कर सकते हैं, कैसे किसी स्टॉक को सेल कर सकते हैं, इस तरीके के बेस पे आइए समझते हैं ये तरीका काम कैसे करता है, हम वही समझने जा रहे हैं। तो देखिए क्या होता है यूजुअली, दोस्तों मान लीजिए कोई प्रीवियस डे का जो स्टॉक है, मान लीजिए उसने 320 का हाई लगा दिया है, ठीक है, 320 रुपए का आपके प्रीवियस स्टॉक ने हाई लगा दिया है, ठीक है। अब दोस्तों याद रखिएगा, अब नेक्स्ट डे अगर कोई सी भी कैंडल, ठीक है, चाहे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, नेक्स्ट डे कोई सी भी कैंडल 320 के ऊपर, मान लीजिए ये लेवल 320 का है, ठीक है, इस लेवल के ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो गई, ये 320 का मान लीजिए लेवल है, ये लेवल है 320 का, इस लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज हो गई 10-15 मिनट की, ठीक है, आपको क्या करना, सिंपल सा 320 के ऊपर बाइंग करनी है, ठीक है। जैसे ही प्रीवियस डे का हाई टूटेगा, मैं आपको बता दूं स्टॉक 0.5% और 1% के आसपास तुरंत एक स्पाइक देगा, ठीक है, तुरंत, यही आपको फॉलो करना है, यही चीज आपको फोकस करना है। सेम वाइस वर्सा उल्टा साइड, मान लीजिए कोई स्टॉक है जिसने लो लगा दिया है 200 का, ठीक है, आज के दिन, मतलब मान लीजिए आज डेट चल रहा है, ठीक है, आज हमारा 25 तारीख है, अब मंडे को क्या होगा, मान लीजिए मंडे को इस 200 के लेवल के नीचे, ठीक है, मान लीजिए ये 200 का लेवल है, 200 के लेवल के नीचे कोई कैंडल क्लोज हो जाती है, कैंडल क्लोज होते ही पिछले दिन का लो टूटते ही मैं आपको बता दूं क्या होगा, यहां पे और सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों मैं आपको चीजें बता दूं, ये जो चीज है ना, ये जो ट्रिक है, ये जो तरीका है, आपको सब जगह देखने को मिलेगा, ठीक है, बड़े से बड़े जितने भी ट्रेडर्स हैं ये तरीका यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप किसी के टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको जो लेवल्स देखने को मिलेंगे वो भी इस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं। अगर आपको भरोसा नहीं है, अगर आपको बिलीव नहीं है, आप ये चीजें मैच करके देख सकते हैं। क्या करते हैं लोग, सिंपल सा 200 का लो लगा, नेक्स्ट डे क्या करेंगे, सिंपल सा सेल बिलो कितना 200, जैसे ही 200 टूटेगा ऑब्वियसली आपका 1 रुपए, 1.5 रुपए, 2 रुपए आपका तुरंत दे देगा स्टॉक, याद रखिएगा। ये तो हमने जान लिया, ये चीजें होती हैं और ये चीज बहुत अच्छा काम करती है, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं इसको क्यों शेयर कर रहा हूं, ताकि आप लोग भी तरीका अपना सकते हैं, ठीक है। जैसा आप किसी के टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते हैं, ठीक है, सेल बिलो बाय अबव, अंडरस्टैंड, मान लीजिए दोस्तों किसी ने बोला आपको कि सेल दिस पर्टिकुलर स्टॉक कितने के नीचे, मान लीजिए ये स्टॉक है, ठीक है, ये आपका 200 का लेवल है, कोई बंदा आपको बोलता है, कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि भैया 200 के नीचे बेच दो, तो वहां पे आप देखिएगा, चार्ट में लाइएगा, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा वो जो 200 का जो लेवल है जिसके नीचे आपको सेल करने को बोला जा रहा है, ठीक है, वो लेवल पिछले दिन का या तो हाई रहेगा या तो लोएस्ट रहेगा, ठीक है। तो एज ऑब्वियस जैसे ही लो टूटेगा आपको क्या करेगा, आपको स्टॉक फ्री फंड का 2-3 रुपया आपको दे देगा फ्लो में। अब ये चीजें क्यों होती है आइए समझते हैं, हम लिख लेते हैं रीजन। दोस्तों ये चीजें इसीलिए होती है, आइए समझते हैं। मान लीजिए अब 200 का एक, मान लीजिए एक लेवल है, ठीक है, कोई स्टॉक आपका बार बार सपोर्ट बना के जा रहा है यहां पे, मान लीजिए क्या है ये 25 जुलाई का, ये आज का डेट है, अब स्टॉक यहां पे बंद हो गया 200 के आसपास, ये लेवल बंद हो गया, लेवल के आसपास बंद हो गया। अब नेक्स्ट डे जैसे ही इस लो को ब्रीच करेगा स्टॉक, जैसे ही इस लो के नीचे एक कैंडल क्लोज होगी स्टॉक की, तो क्या होगा, लोगों के नजर में आएगा, ठीक है, जो लोग इसको सेल नहीं कर रहे थे, ठीक है, उन लोगों के नजर में आ जाएगा। अब सोचिए एक लोगों के तो नजर में आएगा ही नहीं, ठीक है,
हजारों हजार लाखों लाख लोगों के नजर में आएगा, और जैसे ही इस चीजों को लोग देखेंगे, ठीक है, कि अरे भाई इसने प्रीवियस डे का लो तोड़ दिया, तो जैसे ही इस प्रीवियस डे को लो को ब्रीच कर देगा स्टॉक, ये लोग क्या करेंगे, इसको अच्छा खासा शॉर्ट सेल के लिए आ जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग यहां पे वॉल्यूम के साथ शॉर्ट सेलिंग के लिए आ जाएंगे, और लो टूटते ही लोग शॉर्ट सेल करेंगे। अब आपको मोस्टली 0.5% या तो 1% के आसपास का आपका मूव देखने को मिल जाएगा, ये मैं आपको इतना बता दे रहा हूं। ठीक है, अब हाँ, हमेशा आपको देखने को नहीं मिलेगा, मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, परंतु आपको मोस्ट ऑफ केसेस में ये चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो रीजन आप जान चुके हैं क्या होता है, जैसे ही किसी स्टॉक का प्रीवियस लो ब्रीच होता है तो क्या होते हैं, लोग यहां पे सेलिंग के लिए आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रीवियस डे का लो टूटने का मतलब वो आपको फ्लो में 3 से 4 रुपए, मतलब 0.5 to 0.9% आपको फ्री फंड में दे देगा। ठीक है, विदाउट एनी एफर्ट, ये स्टॉक मार्केट का रूल है। ठीक है, सेम वाइस वर्सा, अगर किसी स्टॉक का प्रीवियस हाई टूट जाता है, सेम सिंपल क्या है, आपको एक 0.5 to 0.1% के आसपास का एक मूवमेंट देखने को मिल जाएगा ऊपर साइड। तो रीजन आप समझ चुके हैं कि क्या इसका रीजन है, आई होप आप समझ गए हैं कि हमको कैसे क्या करना है, कैसे बाय और सेल करना है। ठीक है दोस्तों, देखो ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक एडवांस लेवल का प्राइस एक्शन है। ठीक है, तो अभी आपने देखा ना, सेम ऐसे सिंपल मान लीजिए, कोई 25 जुलाई को एक स्टॉक हाई बना दिया। ठीक है, दो यहां पे हाई बना दिया, अब नेक्स्ट डे जैसे इस हाई के ऊपर क्लोज होगा, अब काफी लोग यहां पे क्या करेंगे, बाय अबव दिस, मान लीजिए ये 300 का लेवल है, तो बाय अबव 300 लेवल, तो जैसे ही 300 का लेवल तोड़ेगा, एक अच्छा खासा हमको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी व्यक्ति हमारे चैनल पे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया तो दबा दीजिएगा, ताकि जो भी हम रिकॉर्ड अपलोड करें इस प्रकार से वो आपके पास पहुंच सके। चलिए अब हम समझते हैं अपने चार्ट पे, हम लेते हैं अलग अलग स्टॉक के चार्ट और समझते हैं कैसी ये चीज फॉलो करती है। दोस्तों यहां पर मैंने खोल लिया ICICI बैंक का चार्ट। ठीक है, अब देखिए ICICI बैंक ने यहां लो लगाया, ये कितने के आसपास का, अब आप देख सकते हैं कि ICICI बैंक ने यहां का हाई लगाया, कितने का हाई है दोस्तों, ये आपका हाई है 395.55। अब अगर इसके ऊपर मार्केट खुलता, इसके ऊपर सस्टेन करता, तो आपका स्टॉक पता है ऊपर चले जाता 400-405 के आसपास, बट हुआ क्या, मार्केट गैप डाउन खुला। अब देखिए थोड़ा बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा, अब हमको यहां पर कहीं बेचना नहीं है। ठीक है, सिंपल सा क्या करना है, लो देखो। ठीक है, पिछले दिन का लो कहाँ है दोस्तों, पिछले दिन का लो यहां पे है। ठीक है, 23 तारीख का लो यहां पे है, इसको मार्क कर लो सिंपल सा। अब क्या करने का मतलब, जैसे ही अब आज के दिन 24 तारीख यानी फ्राइडे की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, अब जैसे ही इसका लो टूटेगा, ये दोस्तों ये लो कितना है, ये लो है आपका 378.95। जैसे ही ये 378.95 का लेवल टूटेगा, ठीक है, क्लोज होगा इसके नीचे, एक आपको शार्प डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगी। और आप देख सकते हैं गिरा तो है, गिरा है उतना, परंतु जैसे ही लो के नीचे गया है, जैसे ही प्रीवियस डे के लो के नीचे गया, आप देख सकते हैं वहां से आपको एक अच्छा खासा शार्प मूवमेंट देखने को मिला। कितने पॉइंट का मूवमेंट आपको देखने को मिला दोस्तों, यहां पे आपको मूवमेंट देखने को मिला, मैं यहां पे कैलकुलेट कर देता हूं, 1.7% का आपको मूवमेंट देखने को मिला, तो दिस इज अ ह्यूज पॉइंट। ठीक है, ऐसा ही अगर मैं आपको कोई और स्टॉक दिखाऊं, लेट्स जस्ट चेक इट आउट, अभी यहां पे आप टाइटन का एग्जांपल देख सकते हैं। देखिए टाइटन अब गैप डाउन खुला। ठीक है, अब सिंपल सा क्या करना है, लो मार्क कर लो पिछले दिन का आप। ठीक है, लो मार्क कर लिया, लो कितना है भाई, लो आपका है 1058 का। ठीक है, तो क्या करने का आपसे, आप लोगों को सिंपल सा 1058 का लो मार्क कर लो। अब जैसे ही फ्राइडे को, जैसे ही 24 जुलाई को लो हमारा डाउन हुआ, लो ब्रेक डाउन हुआ, आप देख सकते हैं एक फ्री फंड का शार्प डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिला। क्यों? क्योंकि लोगों ने यहां पर दबा के शॉर्ट सेलिंग की। ठीक है, ये है फंडा। अच्छा, अब और आइए और हम किसी स्टॉक में चेक करते हैं, ये सिप्ला का चार्ट है। ठीक है, अब देखिए सिप्ला ने हाई कितने का लगाया है, प्रीवियस डे का हाई लगाया है, ऑलमोस्ट डे हाई है सिप्ला का 3673.1। ठीक है, 10 का, ठीक है 374 कह लीजिए आप मोटा मोटी। ठीक है, अब यहां पे काफी लोग क्या बोलेंगे, काफी लोग क्या करेंगे, अच्छा अब आज के दिन जैसे ही इसका हाई क्रॉस होगा, सिंपल सा बाकी लोग क्या बोल देंगे, बाय अबव 374। जैसे ही प्रीवियस डे का हाई टूटेगा, आपको एक शार्प अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट डे क्या हुआ है, जैसे ही ये लेवल ब्रीच हुआ ऊपर के साइड 374,
ठीक है, आपको एक 380 तक का हाई देखने को मिल गया, 6 रुपए ऑलमोस्ट 1% का आपको मूवमेंट देखने को मिल गया सिप्ला में। बताइए है कि नहीं शानदार चीज, ये है इस चीज की पावर। ठीक है, तो आप ये तरीका अपना सकते हैं। आप बात मानिए, आप किसी के भी टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, किसी के भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, मोस्टली आपको ये चीज देखने को मिलेगी, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और बहुत ज्यादा काम में लाते हैं आजकल के ट्रेडर्स। ठीक है, अच्छा अब उल्टा भी देखो क्या हुआ है। सिप्ला का डे लो कितना दोस्तों, देखो सिप्ला का डे लो कितना है आपका, डे लो है 662.2। ठीक है, अब देखिए यहां पे मार्क कर लीजिए डे लो। ठीक है, डे लो हमने मार्क कर लिया भाई, सिंपल। अब जैसे ही आप देख सकते हैं, जैसे ही डे लो के नीचे कैंडल क्लोज हुई है, क्लोज होने के बाद 63 से आपको एक 58, आपको एक 5 रुपए का, 5-5.5 रुपए का मूवमेंट तुरंत देखने को मिला है। दिस इज द पावर ऑफ दिस थिंग। ठीक है, अब यहाँ पे टारगेट आप अपने हिसाब से लेके चल सकते हैं। मैं आपको ये स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा हूं, मैं आपको एक एडवांस प्राइस एक्शन बता रहा हूं। ठीक है, स्टॉप लॉस टारगेट आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बस याद रखिएगा पिछला लो, दिन का पिछला लो और पिछला हाई टूटते ही आपको एक शार्प मूवमेंट देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, आइए किसी और स्टॉक को चेक करते हैं। अभी यहां पे आप देख सकते हैं ये रिलायंस का एग्जांपल है। ठीक, रिलायंस का 16 जुलाई को कितना हाई था, ये वाला हाई था, ये लेवल का हाई था। ठीक है, ये लेवल कितना दोस्तों, ये लेवल है आपका 1867 समथिंग का। ठीक है, इतना मोटा मोटी रफली आप याद रखिएगा। अच्छा, इतना रफली आप याद रखिएगा। अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट डे ये ऊपर गया ही नहीं, ये बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था। ठीक है, आप सिंपल सा क्या करना है भाई, इसका आप हाई मार्क कर लो। ठीक है, अब नेक्स्ट डे जैसे ही इसका लेवल, जैसे ही ये हाइट क्रॉस करेगा, जैसे ही 1869 का लेवल क्रॉस करेगा ऊपर साइड, ठीक है, आप बाय कर लीजिएगा। और आप खुद देखिए क्या हुआ, जैसे इसका लेवल टूटा है, प्रीवियस हाई टूटा है, लोगों ने क्या किया है, भर भर के बाइंग की है। ये होता है एडवांस लेवल का प्राइस एक्शन। ठीक है, अच्छा यहां पर सिंपल सा बाय करने का और जो भी आपका टारगेट आप सेट कर सकते हैं। तो देख रहे हैं आप कितनी बढ़िया से ये चीजें काम करती है। देखिए ये फेल भी होंगी, ठीक है, तो फेल होने में तो आपका स्टॉप लॉस सही, आप अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। दोस्तों देखो मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट होना सीखो। ठीक है, आप किसी के लेवल पे, इवन मेरे लेवल पे डिपेंडेंट ना हो, आप अपना लेवल फाइंड आउट करो। और ये लेवल फाइंड आउट करने का मैंने आपको तरीका बता दिया, तो आई होप आपको इसमें कोई कंफ्यूजन ना होगी। ठीक है, तो आई होप आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होगी। दोस्तों अगर आप मेरी बातों को समझ रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा। अच्छा अभी देखिए वेदांता का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए वेदांता, आप क्या हुआ है, वेदांता का प्रीवियस हाई ये था और प्रीवियस लो ये था, डे हाई। ठीक है, डे हाई, ठीक है, डी एच और डी एल, डी एल यानी डे लोस। ठीक है, अब क्या हुआ, डेज लोस क्या था हमारा, 111 डे लोस आपका था 111.9। ठीक है, अब आप देख सकते हैं हाई तो ऊपर क्रॉस हुआ नहीं, सिंपल सा क्या हुआ दोस्तों, आप क्या करिए लो मार्क कर लो, सिंपल सा लो मार्क कर लो। अब आपके पास पावर है, अब आपके पास वो चीज है। अब आप देखिए जैसे ये लेवल क्रॉस हुआ, बिना किसी से पूछे शॉर्ट सेल कर दो। ठीक है, अपना एसएल और टारगेट रख के, और आपका झटके में और आपका एकदम फ्लो फ्लो में आपका एक मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। सबसे आसान तरीका है और इसको बहुत ही यूज किया जाता है। ठीक है ना, सो सिंपल इज दिस। अभी देखो यहां पे बजाज फाइनेंस का आप देख सकते हैं कि प्रीवियस लो कितना दोस्तों, प्रीवियस लो था 32.21। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, प्रीवियस लो को ब्रीच किया इसने, ये ज्यादा नीचे नहीं आया परंतु आपको मोमेंट दे ही दिया है। ठीक है, अब यहां पे अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करते तुरंत, ठीक है, तो आपका एसएल हिट हो जाता है यहां पे, कोई नहीं। तो ये होगा, मार्केट प्रोबेबिलिटी का गेम है, मार्केट 100% तो है नहीं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही रखा है। अच्छा कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, लेट्स सी। अभी यहां पे आप देख सकते हो बजाज फाइनेंस, ठीक है, अब सिंपल सा लोग क्या करेंगे यहां पे, अच्छा हाई तो हाई, अब नेक्स्ट डे हाई मार्क कर लेंगे और इसका डे लो मार्क कर लेंगे। अब हाई तो क्रॉस हुआ नहीं, वेट करेंगे, वेट करेंगे, वेट करेंगे, जैसे ही उनको दिखेगा कि भाई इसका प्रीवियस डे का लो टूट गया, ठीक है, क्लोज हो गया सिंपल सा कैंडल, शॉर्ट करो, प्रॉफिट बुक करो, सो सिंपल इज दिस। तो आई होप आप समझ गए हैं सर मेरी बातें, कैसे आपको ट्रीट करना है। ठीक है, अभी यहां पे देखिए आप स्कॉट्स में, अब स्कॉट्स में का कितने लोगों ने यहां पे सेल कॉल इनिशिएट की होगी, सिंपल सा क्या यहां पे फंडा बनता है। ठीक है, ये आपका 1160 का डेज लो था, ठीक है, 1160 का डे लो मार्क कर लो। ठीक है, और जैसे ही इसके नीचे कोई कैंडल बंद हो जाए, कोई कैंडल टूट जाए, इसके ब्रीच कर दे, आप सिंपल सा सेल कर दो। ठीक है, अब कितने लोगों ने सिंपल ये चीज की होगी, और आप देख सकते हैं ब्रीच होते ही एक शार्प डाउनसाइड हमें मूवमेंट देखने को मिली,
तो मैंने आप सबको बहुत सारे एग्जाम्पल दिखा दिए हैं। हाँ, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स में ये फेल भी होगा, ठीक है। तो क्या हो गया, फेल होगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, जो कि थोड़ा बहुत आपका लॉस लेके चला जाएगा। परंतु ये चीज मैं आपको बता दूं, ये ऑब्जर्वेशन जो है, ये जो एडवांस लेवल का जो प्राइस एक्शन है, हमेशा काम करेगा। बड़े बड़े ट्रेडर, बड़े बड़े क्या कहते हैं, जितने भी आपको लेवल्स प्रोवाइडर्स मिलते हैं, वो सब ये तरीका यूज करते हैं। और सबसे सिंपल तरीका है ये, ठीक है, स्टॉक सिलेक्शन करने का। आप एक दिन पहले, आप सिंपल सा रात को थोड़ा टाइम दे के प्रीवियस स्टॉक का फाइंड आउट करके, ठीक है, प्रीवियस स्टॉक का लो और हाई फाइंड आउट कर लीजिए, और नेक्स्ट डे जैसे ही लो टूटे तो सेल कर दीजिए, हाई टूटे तो बाय कर लीजिए। सो सिंपल इज दिस। सो दोस्तों, मैंने आपको एक ऐसी झकास चीज, ऐसी शानदार चीज बता दी है कि अगर आप इस चीज को लिटरली यूज करते हैं ना, तो आपको अंधकार में रहने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी आपको लेवल दे, ठीक है, कोई भी आपको टिप दे, जब आप दूसरों के ट्रेड्स को, जब आप दूसरों के लेवल्स को जब आप चेक करेंगे इस चीज पे, आपको मेजॉरिटी के केसेस में आपको ये चीजें ही दिखेंगी, क्योंकि लोग ये यूज कर रहे हैं और इसीलिए मैंने आपको ये बताई है, ठीक है। आपको मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आपको यही तरीका यूज करते हुए मिलेगा। आप मंडे से स्टार्ट करके देखिए, आप मंडे से किसी के भी लेवल को आप मैच करके देखिएगा, आपको चीजें मिलते हुए दिखेंगी। और आप खुद भी अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, प्रैक्टिस करिए, और कैसा रिजल्ट निकल के आ रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। सो दोस्तों, विद दिस वाइंड अप करता हूं मैं वीडियो। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के एजुकेशनल एंड टेक्निकल एनालिसिस वीडियो पाने के लिए लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, एंड शेयर करिए उन लोगों के साथ जिन लोगों को इस वीडियो की लिटरली में आवश्यकता है। टिल देन, नमस्कार आप सबको।